हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरिफ मैसेज ग्रामर में। मैं अरविंद कुमार, मैं आप लोगों को इसमें क्लास 10 का मैथ बता रहा हूँ, जिसमें चैप्टर 8 पे आया हूँ, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें आज मैं उठाया हूँ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन का पूछा है मान ज्ञात कीजिए, मान निकालिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपॉन कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश, इसको आपको मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट देखेंगे, सवाल लगाने से पहले इसको समझते हैं। 63 अंश दिया है, 27 अंश दिया है, यहाँ साइन दोनों जगह साइन साइन दिया है। देखेंगे 63 और 27 को जब जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा, 90 अंश आएगा। और ऐसे 17 और 73 यानी कि 73 जब जोड़ेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 90 अंश आएगा। इसका मतलब क्या, फार्मूले पे सवाल सेट है, उसको आपको अगर याद है तो सवाल को सोल्यूशन आप लगा ले जाएंगे सवाल को। तो इसको कैसे लगाएंगे देखेंगे, इसे कैसे चेंजिंग किया जाता है। ये जो दिया है इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर 63 अंश वही लिखा गया, लेकिन यहाँ पर बदलेंगे। साइन स्क्वायर तो वही रहेगा, लेकिन 27 को हम क्या करेंगे, 90 अंश माइनस। अब 90 में से कितना घटा देंगे, 27 ही आए। तो सेटिंग्स दिया है 63 अंश, जब घटाएंगे तब क्या मिलता है, 27 मिलेगा। यानी कि 90 में से 63 घटाएंगे 27 मिलेगा। मतलब क्या, जो ये है वही लिखा हमने, जो है वही लिखा। अब आप देखेंगे 27 अंश, 27 अंश की जगह हमने क्या लिखा, 90 माइनस 63 लिखा है, जिसको घटाने से आपको 27 ही मिलेगा। वैसे ही नीचे कन्वर्ट करना है, कॉस स्क्वायर 17 अंश वही लिखा, यहाँ भी वही करेंगे, कॉस स्क्वायर लिखा लेकिन 73 को हम बदलेंगे। इसको कैसे बदलेंगे, फिर 90 अंश माइनस कितना घटा दें कि क्या 73 अंश मिले। तो यही जो 17 दिया है वही लिखा जाता है, सेटिंग से देता है 17 अंश, यानी कि 90 में से 17 जब घटाओगे 73 ही आपको मिलेगा। तो फिर देखेंगे अगला क्या स्टेप होगा, ये जो है इसको तो वही लिखा जाता है साइन। इसको अगर आप सूत्र जानना चाहेंगे, सूत्र मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो सूत्र क्या यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सूत्र यूज होगा उसको आपको मालूम होना चाहिए। सामने लिखा जाता है, लेकिन सामने में सवाल लगाऊंगा तो नीचे लिख दे रहा हूँ। आप सिंस करके, सिंस चूंकि का चिन्ह है, इंग्लिश में सिंस बोला जाता है, इसको लिख के आप लिखेंगे, आपको सूत्र क्या मालूम है कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए। साइन इधर हो जाता है, कॉस हो जाता है, तो कॉस 90 थीटा में से क्या चुनेंगे, थीटा चुना जाता है, ये हो गया। वैसे अगर कॉस रहता है, कॉस 90 अंश माइनस थीटा, तो कॉस का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। लेकिन दोनों में से कौन चुना जाता है, थीटा, जो यहाँ पर कोण है वही चुना जाता है। ये दोनों सूत्र आपको यूज करना होगा इसमें। तो मैं यहाँ से लगाना शुरू करता हूँ इसको, फिर देखेंगे ये चीज वही लिखा गया, अपान का चिन्ह लगा दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर 63 अंश वही लिखा गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर भले है लेकिन वो यूज हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर है तो साइन है, हम क्या बदलेंगे, कॉस। तो यहाँ स्क्वायर के नाते हम क्या लिखना होगा, प्लस करके कॉस स्क्वायर लिखा गया, समझ में आया। साइन स्क्वायर का हमने क्या लिखा, कॉस लिखा, जैसे यहाँ साइन का कॉस है, साइन का हमने कॉस, स्क्वायर था स्क्वायर किया। अब यहाँ 90 माइनस 63, जैसे 90 थीटा है थीटा चुना गया, वैसे 90 63 तो क्या चुना जाएगा, 63 अंश 63 अंश चुना जाएगा। वैसे नीचे कन्वर्ट कीजिए, कॉस स्क्वायर 17 अंश 17 अंश तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए अब हम सूत्र लगाने जा रहे हैं इस पर, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। देखिए कॉस का क्या जाता है, साइन, लेकिन स्क्वायर के नाते हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर। अब यहाँ 90 माइनस 17 है, तो यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा थीटा चुना गया, वैसे दूसरा वाला कोण 17 है उसको चुना जाएगा। तो देखेंगे दोनों सेम हो गया। फिर यहाँ पर एक सूत्र यूज होगा, सेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये सूत्र आपको ये सब मालूम होना चाहिए। तो उसी रूप में है, थीटा थीटा की जगह क्या है, 63 अंश 63 अंश है, वही काम नीचे बन सकते हैं, कॉस पहले दिया है साइन बाद में दिया है, दोनों बात सेम होगा। देखेंगे थीटा थीटा की जगह क्या, 17 17, दोनों सेम है, इक्वल है कोण। इसका मतलब कि यह सूत्र लागू, इसके जगह को 1 लिख सकते हैं, दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। नीचे भी क्या आ जाएगा, 1/1, तो 1 से 1 में भाग देने पर आपको 1 मिलता है। तो हो गया आंसर, तो इसका मान ज्ञात किया गया जिसका आंसर आया 1। तो यहाँ पर देखेंगे फार्मूला, यहाँ ये 2 यूज हुआ, फिर यहाँ तीसरा यूज हुआ। तो फार्मूला बिना सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो फार्मूला बहुत जरूरी है लर्न करना। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी का दूसरा पार्ट होगा, दूसरा क्वेश्चन। और अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने, थैंक्स, धन्यवाद।